हेलो एंड वेलकम। तो हम वापस आ गए। दिस इज द बिगेस्ट वेरी गुड न्यूज़ फॉर आवर LLB स्टूडेंट एंड ऑब्वियसली CET PG। आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि फॉर्म कब आएगा, व्हेन इट विल बी अनाउंसमेंट। तो फाइनली अनाउंसमेंट आ गया। यहाँ आप लोग देख सकते हैं NTA वेबसाइट में ये लोग अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी स्टार्ट फ्रॉम टू नाइट 20 मार्च टू 19 अप्रैल। सो इट इज़ अ बिगेस्ट न्यूज़। आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे फॉर्म कब आएगा सर, फॉर्म कब आएगा सर, आप लोग पूछ रहे थे। सो फाइनली फॉर्म आ गया। तो आज ये जो एम जगदीश कुमार हैं, जो NTA के आई थिंक चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में अनाउंसमेंट कर दिया है कि फॉर्म विल स्टार्ट फ्रॉम टू नाइट एंड 19 अप्रैल तक ये फॉर्म फिलअप चलेगा। 19 अप्रैल रात तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड उसके बाद आप लोगों को मेरे ख्याल से 19 को फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा रात को। उसके बाद 20, 21, 22, 23 ये 3 दिन आप लोग फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं। एनी मिस्टेक आप लोग अगर फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ गलती कर दिए, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड गलती कर दिया, फिर इन्फॉर्मेशन इनकरेक्टली आप लोग कुछ पुट कर दिए हैं, तो यू कैन करेक्ट री 20, 21, 22, 23 ये 3 दिन आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। एंड फी तो पहले सबमिट हो जाएगा एंड उसके बाद तो फॉर्म फिलअप हो गया एंड एग्जामिनेशन आई थिंक अगर ये अप्रैल तक अगर आप लोग का फॉर्म फिलअप हो जाता है तो इसका जो एग्ज़ाम होगा आई थिंक जून। तो आई थिंक इसका एग्जामिनेशन जून में स्टार्ट होगा। ये टेंटेटिव डेट दिया गया था कि 1 जून से 10 जून के बीच में आप लोगों का PG का एग्ज़ाम होगा। UG का तो फॉर्म फिलअप हो गया, तो उसका एग्ज़ाम मेरे ख्याल से पहले हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि 1 जून से 10 जून के बीच में एग्ज़ाम हो सकता है आप लोगों का। सो दिस इज जस्ट अ बिगेस्ट न्यूज़ कि फॉर्म कब आएगा। आप लोग बोल रहे थे तो फॉर्म फाइनली आ गया है, रेडी टू रीड। जिन्होंने पहले से स्टार्ट कर लिया पढ़ने के लिए तो बेस्ट ऑफ लक फॉर देम, और जिन्होंने अभी भी तैयार नहीं किया है, दे आर थिंकिंग यार LLB करना है BHU से और एनी कॉलेज, ऑब्वियसली दे हैव टू गिव CUET, तो ये उनके लिए बड़ी न्यूज़ है। तो पूरा हड़बड़ी मत करना कि फॉर्म भरना है, लेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से फॉर्म भरना, डोंट इनकरेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन, डोंट गिव एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। सारे अपने रिजल्ट का नंबर देखना, अपने डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग पुट वेरी करेक्टली, जिससे बाद पछतावा ना हो, वरना बहुत दिक्कत होती है। सीरियसली फॉर्म इनकरेक्ट होने के बाद बहुत दिक्कत होती है। तो शांत दिमाग से फॉर्म भरना एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल अपडेट यू फॉर एवरीथिंग। सो बी कंटिन्यूइंग चैनल एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड सब्सक्राइब।